things and injustice. I'm pretty excited about it. Let's take one day at a time. Release ke din hi pata chalega because Friday is the decider. And we are excited and we are excited with the response also. Okay, jis tarah ka nayab tarika nikala hai Irfan ki hum baat kar rahe hain, PM se milne ki baat ho rahi hai, Kejriwal se milne ki baat ho rahi hai. Whose idea was this? Who's the brainchild of this, you know? I guess it's the marketing team to start with, or somewhere Irfan also feels that we should all do this because it is related to our issues in the film. So probably the political system and overall should be addressed. So probably yahi wajah hogi ke marketing team ne aur Irfan ne decide kiya. Okay, jis tarah se ab tak leak ho rahi hai film mein back to back, kya aapne kuch khas dhyan rakha hai is baat ka ki is tarah ki koi galti na ho jaye ya is tarah ki koi loophole na rahe jahan film ki? Main to chahta hu ke ऐसा कुछ स्ट्रिंजेंट स्टेप्स लिए जाए बिकॉज इट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट. हम सेम कम्युनिटी के हैं और बहुत बुरा लगता है कि ज़िंदगी के 2-2.5 साल लगते हैं एक पिक्चर बनाने में, और जब एक पिक्चर वन ऑफ जस्ट इंटरनेट पे आ जाती है तो खून पानी जो गया है 2-2.5 साल का वो एक इवनिंग में ख़त्म हो जाता है. एंड आई रियली रियली फील बैड एंड आई फील सैड. किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, बट वी डोंट हैव अ पर्टिकुलर एजेंसी इन प्लेस. आई गेस वी नीड एन एजेंसी व्हिच वुड कंट्रोल ऑल दिस थिंग्स. थैंक यू सो मच. और फिर इरफान खान एज एन एक्टर, मुझे लगता है लीडल कॉम्बिनेशन है तीनों का, और 110% ये फिल्म टेक्निकली स्क्रिप्ट वाइज शूटिंग वाइज एक अपने आप में बहुत अच्छी फिल्म होगी. और अपने दोस्तों को मुबारकबादी देने और ऑल द बेस्ट कहने मैं आज आया हूँ. पॉलिटिकल सटायर पे कहीं ना कहीं ये चोट करती है, पॉलिटिकल सटायर बताया जा रहा है फिल्म को, और जिस तरह का नायाब तरीका इरफान ने निकाला कि पीएम से मुलाकात करनी है और अरविंद केजरीवाल से मिलना है, उनसे थोड़ा सा वक्त मांगा उन्होंने मिलने के लिए, इस बारे में क्या कहना चाहिए? इरफान बहुत ही इंटेलिजेंट शख्स है, और फिर निशिकांत कामत भी, और शैलेश कुलगा की, क्योंकि पॉलिटिकली शैलेश बहुत एक्टिव है, और चूंकि ये पॉलिटिशियंस जो हैं यही देश को चलाते हैं, तो लगा इनको कि शायद इनसे बात करके कुछ एडिशनल चीज़ें इनको शायद समझ में आएंगी, या हो सकता है कि इस फिल्म का हिस्सा भी हो सकता है. तो अपने आप की सोच है, और इरफान चूँकि बहुत ही इंटेलिजेंट है एंड वेरी वेल रेड एक्टर है, आई थिंक उसका अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वो इन नेताओं से मिला. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. आज दो मिनट. अच्छा जी, आडी बर्मन के संगीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पंचमदा अपने आप में एक बहुत ही म्यूजिशियन, म्यूजिकल सिंगर और परफॉर्मर हैं. उनका कंपेरिजन किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ या म्यूजिशियन के साथ करना जायज़ नहीं है, बिकॉज वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, और आज भी जब आप उनके गाने सुनते हैं, उनके कंपोजिशन सुनते हैं, उनके इफेक्ट्स सुनते हैं गानों में, तो लगता है कि ये एक अपने आप में एक नायाब म्यूजिक डायरेक्टर हैं. कंपोजिशंस में उनकी मेलोडी, उनका पूरा जो प्रेजेंस था, कंपेरेबल किसी के साथ नहीं हो सकता. ओके, उनके ऊपर बायोपिक बनाने की बात चल रही है, क्या कहना चाहेंगे, और कौन आपको लगता है कि बायोपिक के लिए आरडी के किरदार के लिए सूट होता है? आई थिंक वो डायरेक्टरी पे हम छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर है, फिल्म मेकर पे छोड़ दें जो किसी से कंसीव किया है पंचमदा को, तो ज़्यादा बेटर होगा. मैं उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ, इट इज़ 110% वो मैंने कहा ना, अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, जबकि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन एक ऐसी शख्सियत है, तो ऐसे लोगों पर, ऐसे इंस्टीट्यूशन पर फिल्म बननी चाहिए. And I expect a really interesting drama. The story looks very interesting. So I haven't seen the film, but I expect to be excited by it, and I expect to be touched by it. We just had a word with Nishikant Kamara, and said it's a political satire, which also talk about the political system in the current scenario of India.
What your thought about the political system in the current scenario? My God, that is not a question that can be answered like this. Politics always, there's always huge room for improvement in any political system of any country. Same goes for India. And at the same time, I think India is also a vibrant democracy. So there's great possibility when there's a vibrant democracy. The way Irfan promoted the film, you know, he wished to meet Narendra Modi and Arvind. He met Arvind Kejriwal, if I'm not wrong. What would be some of the whole strategy of promoting a film where you're meeting all the so-called big leader of India? Well, you know, if through using the excuse of a film, if one gets to meet people, why not? I think it's a great idea. Thank you so much. Thank you. What is going on where people are planning a biopic on Adi Barman? On? Adi Barman. What's your take on that? Adi Barman is one of India's greatest treasures. A biopic on him would be very interesting, provided it really shows all the hidden facets of his life. Then I'd be really looking forward to it. There are also reports going around where Aamir Khan is suggested to play the Adi Barman. I think it'd be wonderful. Whom do you see as the perfect Adi Barman? Oh God, I don't know. I don't know. Somebody a little cute and podgy, but deeply talented and brilliant. So I don't know. There'll be many, many. Whom do you I think Aamir would be a good idea. Yeah. Whom do you think Aamir? Whom do you think Asha can be played by Asha Bhosle? I don't know. My God, maybe Priyanka. You want Priyanka? Yeah, sure. Why not? She's wonderful. She sings also. Okay, I have to go. Thank you, sir. That is the way they're promoting the film. Nishikant is a favorite filmmaker for me, and Irfan is an actor jisko as I'm 15 saal se soch raha hu ki achhi script likhu to usko sunau to un dono ka combination ko dhamaal hi hoga. Apart from this, there's a process going on in the industry. People are planning to make a biopic on Adi Barman. What do you want to say? मदारी की बात करते हैं ना, पंचमदा के बारे में अभी यहाँ क्या बात करेंगे? मतलब पंचमदा के बारे में फिल्म बनाए तो अच्छी. हाँ, या आई लव म्यूजिक एंड आई लव बर्मन साहब. And it will be wonderful to know more and more about him and tell the country more and more about him. In the form of a biopic, yeah, it will be fun. Thank you so much. Sir, aapka explanation. Definitely, Nishikant बहुत अच्छा दोस्त है, अच्छा filmmaker है, इरफान बहुत ही talented actor है, और मेरा दोस्त शैलेश सिंह की film है, and बहुत खुशी है इस बात के film के काफी चर्चे हैं, people are talking about the film. I am looking forward for this film. And I'm sure it will be a great watch. जिस तरह से फिल्म को प्रमोट करा जा रहा है वो भी एक नया तरीका है. नरेंद्र मोदी से मुलाकात की बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल से लोग मिलने की तैयारी, इरफान मिलने. नहीं, मेरे ख्याल से ये अपने आप में बड़ी बात है. आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि इतने लोग इन्वॉल्व, पूरा टीम इन्वॉल्व इस पीआर में, और मेरे ख्याल से अच्छी बात है. मेरे ख्याल से आम इंसान का जो पॉइंट ऑफ व्यू इस पिक्चर में दिखाया गया है, उसके साथ पॉलिटिशियन के साथ मुलाकात, तो अपने आप में बड़ी बात है. और मेरे ख्याल से ओवरऑल पिक्चर एक सीरियस इश्यू बेस्ड फिल्म है, जो मेरे ख्याल से डेफिनेटली वी ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द फिल्म. थैंक यू.